हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज फिर से बनाते हैं बहुत ही हेल्दी और इंटरेस्टिंग नाश्ते की रेसिपी। आज का नाश्ता हेल्दी के साथ साथ चटपटा भी होने वाला है, तो बिना देरी किए हुए चलिए चलते हैं बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बनाएंगे बाजार में मिलने वाली चटपटी चने चाट की रेसिपी। ये काले वाले चने से हमने बनाया है और ये बहुत ही चटपटा बना और टेस्टी भी बना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम रात में ही चना को भिगो दिए थे, तो ये हम बड़े कटोरी से एक कटोरी चना को भिगो दिए हैं। अगर जल्दी बाजी है तो 3-4 घंटे में भीग जाता है, लेकिन अच्छे से सूख होने के लिए रात भर का वेट करें तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो चना हमने भिगो दिया है, अब इसको हम रात भर के लिए छोड़ देंगे। अगले दिन इसका हम नाश्ता रेडी करेंगे। तो ये देखिए सुबह के टाइम बहुत ही बढ़िया ये फूल के रेडी हो गया है, ये देखिए। चलिए इसको एक पानी से अच्छे से वॉश कर लेते हैं और उसके बाद स्ट्रेनर से स्ट्रेन करके छान लेंगे अच्छे से। तो ये चना खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है, कच्चा चना भी इसको आप बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम बॉईल कर लेते हैं। तो चने को कुकर में डाल देंगे और इसमें एक गिलास पानी डाल देंगे, आधा चम्मच नमक डाल देंगे, और एक पिंच सोडा डाल देंगे, ये मीठा वाला सोडा है। इससे हमारा चना बहुत ही बढ़िया फूल जाएगा और बहुत बढ़िया टेस्टी नाश्ता बनेगा। और इसको हम 2 सीटी आने तक बॉईल कर लेते हैं। और अब चलिए इसमें डालने के लिए प्याज कट कर लेते हैं। तो प्याज को हमने लंबे लंबे काटा है इस तरीके से, 2 प्याज को इसी तरीके से काट लेना है। और हाथों से इस तरीके से मसलते हुए सारे स्लाइस को खोल देना है। तो प्याज तो रेडी हो गया है और अब चलिए इसमें डालने के लिए कुछ और सब्जियां काट लेते हैं। तो हरा मिर्च हमने 4 से 5 ले लिया है, इसको साबुत ही बीच से फाड़ लेना है इस तरीके से। और 1/2 इंच अदरक का हमने टुकड़ा ले लिया है और उसको भी हम ग्रेट कर लेंगे। तो अदरक भी ग्रेट कर लिए हैं। और अब चलिए चना भी हमारा बॉईल हो चुका है तो उसको हम छान लेते हैं। तो ये देखिए चना हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है, मैश करके देख लेते हैं, परफेक्ट बॉईल हो चुका है। तो अब आइए आगे का प्रोसेस करते हैं। तो हम एक कढ़ाई को गरम कर देंगे, उसमें 2 चम्मच तेल डाल देंगे, तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे। और जीरा हमारा हल्का सा भून जाए तो उसमें हम थोड़े से हींग डाल देंगे, और जो हरी मिर्च को काटे थे उसको डाल के भून लेना है तीनों चीजों को। तो ये चना मसाला आपको कहीं भी रेडी पे या ठेले पे मिल जाता है, कभी भी आप मार्केट जाते हो या स्टेशन पे जाते हो तो ये मिल जाता है। तो देख के मन ललच जाता है कि इसको हम खा ही ले, लेकिन इसको हम घर पे हेल्दी तरीके से बना रहे हैं और उसे भी बढ़िया तरीके से। तो उसमें अब हम प्याज डाल देंगे जो हमने मिर्च भुने थे उसमें कढ़ाई में, और इसको भी अच्छे से भून लेना है। प्याज को लाइट ब्राउन ही भुनेंगे और इसमें अब हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे। तो 1/2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, 1/4 चम्मच गरम मसाला ऐड कर देंगे, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, 1/4 चम्मच ही, बहुत ज्यादा हल्दी नहीं डालना है। और हम काली मिर्च का पाउडर 2 चुटकी डाल देंगे। और अब इन सबको मिक्स कर देंगे अच्छे से, मसाले बहुत ज्यादा नहीं डालने हैं। तो इस तरीके से एक बार चना चाट बनाइए, बहुत मस्त लगता है। और अब हम बॉईल किए हुए चने डाल देंगे इसमें,
प्याज को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया है क्योंकि चने में क्रंच बना रहेगा तो अच्छा लगेगा प्याज में। और हम नमक स्वादानुसार डाल देंगे, इसमें मिक्स कर देंगे। एक मिनट इसको इसी तरह भून लेना है। इसको बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, लेकिन खाने में बहुत ही मस्त लगता है। मेरे घर में तो 1 वीक में एक बार ये बनना ही बनना है क्योंकि हमारे घर में सभी को ये बहुत ही पसंद है। तो चलिए अब चना हमने भून लिया है, ये मसाला चना हमारा रेडी हो गया है और अब चलिए इसको असेंबल कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक बाउल ले लेंगे, उसमें जितने लोगों के लिए बनाना है उतना हम मसाला चना डाल देंगे। तो अभी हम 2 लोगों के लिए बना रहे हैं और इसमें 1 बॉयल कटे हुए आलू डाल देंगे, 1/2 खीरा डाल देंगे, 1/2 से भी कम ही हमने लिया है खीरा बारीक काट के, 1/2 टमाटर डाल देंगे बारीक काट के, और ये हमने 1/2 ही प्याज को बारीक काट लिया है उसको भी डाल देना है। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल देना है और अब इसमें चटपटे के लिए इसमें हमने काला नमक डाला है 2 चुटकी और 1/2 चम्मच, हमने 1/2 चम्मच से भी कम है चाट मसाला डाल दिया है, और नींबू डाल देंगे 1 चम्मच के बराबर। और अब इस सारे चटपटे मसाला चना को अच्छे से टॉस करते हुए मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़े का ये लगता है चना मसाला। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए मेरे इस तरीके से, और इसको हम बढ़िया से टॉस करते हुए मिक्स कर लेंगे। तो रेसिपी है ना लाजवाब, मुंह में पानी आ गया ना दोस्तों। तो इसको आप लोग ज़रूर ट्राई करिए, इसको आप इवनिंग स्नैक्स में भी ले सकते हैं या सुबह के ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का लगता है। तो आइए प्लेट में सर्व कर लेते हैं, और ये बहुत ही कम तेल में बन भी जाता है। तो आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। तो बिना देरी किए हुए इस नाश्ते को आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिए और इन्जॉय करिए। और अगर आज की हमारी चटपटी मसालेदार मसाला चना अच्छी लगे रेसिपी, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए फ्रेंड्स। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक और नई चटपटी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गाइज़।